तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिकाज लाइफस्टाइल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुकी हूँ और एक नया ब्लॉग। और आज के जो ब्लॉग है वो तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। हाँ, आज है शॉपिंग ब्लॉग, मतलब दुर्गा पूजा में मैं क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, क्या क्या कब किया, कैसे किया, क्या 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 सब कुछ इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये सिर्फ शॉपिंग ब्लॉग ही होगा, इसमें जो जो शॉपिंग के रिलेटेड होगा वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलो गाइज, आज के इस ब्लॉग को मैं यही से शुरुआत करती हूँ, ज्यादा बकड़ बकड़ ना करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, मैं हो चुकी हूँ तैयार और मेरे साथ बाकी सब लोग भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हम जाएंगे। तो जो भी हो, आज बहुत ही सिंपल सा लुक है, देख सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब मुंह में कुछ भी नहीं दिया, होठों में कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि बाहर का हालत देखो कितना ज्यादा धूप निकला है। और इस धूप में अगर कुछ भी देती तो वैसे भी मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जब भी मैं धूप में जाती हूँ मेरा मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो इसलिए मैंने कुछ 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 भी नहीं किया, बस नॉर्मली जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये कुर्ता पहना है, उसके अलावा मेरे साथ मेरी माँ और मेरी बहन भी जा रहे हैं। तो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बहुत धूप है पर हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम बस शॉपिंग करने नहीं, और भी बहुत सारी काम है, जैसे मम्मी की दवाई, थोड़ा सा बैंक में भी काम है, भी बहुत कुछ करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो चलो अब जाते हैं। और वैसे हम वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, मैं और मम्मी एक तरफ, मेरी बहन एक तरफ जाएगी, क्योंकि हमें बहुत सारी काम करना है। तो इसीलिए तो चलो, देख सकते हो ये भी तैयार हो चुके हैं, तो चलते हैं अब हम। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं शॉपिंग मॉल में। यहाँ से बैग से सब कुछ निकाल रहे हैं, क्योंकि बैग तो जमा देना पड़ेगा, तो इसलिए हम अब सब कुछ निकाल लिया बैग से, जो जो हमें चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे देखो ये शर्ट्स चूज़ कर रही है, जो कि मेरी ताऊ जी एंड बाबा के लिए वो अलग से शर्ट्स दे रही है, मैं अलग से, मतलब पहले उन दोनों का ही शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। मैंने कुछ चूज़ कर लिया है, देख सकते हो, दो चूज़ कर लिया, अब इसकी बारी। तो फाइनली हमारा शॉपिंग हो गया है डन, हमने यहाँ से जो लेना है ले लिया। और ये देखो मुझे क्या मिला, लॉजेंस चॉकलेट, या 1 रुपये के बदले में ये चॉकलेट मिलना तो कॉमन है गाइस, ये तो मिलना ही है। तो जो भी हो, शॉपिंग तो कर लिया, अब चलते हैं कहीं और, देखते हैं और कुछ क्या ले सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं मम्मी के लिए साड़ी लेने, या पे या साड़ी की दुकान, देख सकते हो कितना खूबसूरत खूबसूरत साड़ी है। मुझे तो ऐसे देखने में ही बहुत 2-3 अच्छा लग गया, पर मैं तो साड़ी नहीं पहनने वाली, तो मैं देख के ही भाई क्या करूँ। तो फाइनली साड़ी ख़त्म, अब आए हैं हम मेरे भगवान के लिए कपड़े लेने। इस वक्त तो कितना क्यूट क्यूट सा कपड़े है, तो मैंने यहाँ से 2-3 कपड़े ले लिए मेरे भगवान के लिए। और अब मैं अकेले चली जा रही हूँ घर वापस, क्योंकि मेरा है ट्यूशन, तो अब मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकती, तो वो लोग रह गए, मैं चली जा रही हूँ अकेले ही बारी फिर। तो गाइस, फाइनली हम शॉपिंग करके घर वापस आ भी चुके थे, और या मैं बीच में चली गई थी क्योंकि ट्यूशन था, पर कोई नहीं। वैसे ये जो पार्ट है ना, मतलब ये जो मैं अब क्लिप ले रही हूँ, ये उस दिन का नहीं है, क्योंकि मैं ना चली गई थी स्टूडेंट को पढ़ाने, क्योंकि उनका एग्ज़ाम्स थे। और उसके बाद घर आते आते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 8 बज चुका था, और उतना ताकत ही नहीं था कि मैं कुछ और शूट करूं, तो इसलिए मैं उस दिन तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं आज ये पार्ट ले रही हूँ। वैसे कल षष्ठी है, मतलब दुर्गा पूजा षष्ठी, आगे दिन पंचमी थे, अमी उसी दिन मैं ये क्लिप ले रही हूँ। तो जो भी हो, चलो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया। वैसे इस शॉपिंग में ना सिर्फ वो नहीं है कि धर्मनगर जाके क्या क्या लिया क्या क्या नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आज मैं दिखाऊंगी हमने दुर्गा पूजा के लिए क्या क्या शॉपिंग किया सब कुछ। तो यहाँ पे सिर्फ दुकान में जाके खरीदने वाला नहीं है, जो जो ऑनलाइन से आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब दुर्गा पूजा का क्या शॉपिंग है वही शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादातर तो हम घर वाले सब ने ऑनलाइन से ज़्यादातर शॉपिंग की है, थोड़ी बहुत दुकान से की है, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि दुकान में जाओ देखे खरीदे, तो इसलिए ऑनलाइन ईजी था, तो ऑनलाइन से सब कुछ परचेस कर लिया, थोड़ी बहुत हमने दुकान से किया है। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे है मम्मी की साड़ी,
मेरी बहन की ड्रेसेस प्लस मेरी ड्रेसेस। तो चलो सबसे पहले आपको ये सब अच्छे से दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ साड़ी, क्योंकि साड़ी मेन पार्ट है, क्योंकि सारे के सारे साड़ी है मेरी मम्मी की, देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये वाला साड़ी, ये वाला साड़ी देख सकते हो गाइस, जो कि बहुत ही प्रिटी है। और ये साड़ी मैंने दी है मेरी मम्मी को गिफ्ट पूजा में। हाँ गाइस, ये साड़ी मैंने दी है, देख सकते हो, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो अब मैं इसे खोल के तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर अभी दिखा दूंगी तो पूजा में आप लोग क्या देखोगे, तो पूजा के लिए रहने देते। वैसे कुछ भी मैं खोल के नहीं दिखाने वाली, हाँ, वरना पूजा में आप लोग क्या देखोगे, क्या आपको एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसीलिए मैं अब बस आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या किया, क्या परचेस किया। तो देखो ये वाला साड़ी, जिसके मैंने कहा कि ये वाला साड़ी मैंने गिफ्ट किया मेरी मम्मी को, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। के अलावा यहाँ पे है ये वाला साड़ी, ये वाला साड़ी देख सकते हो, ये भी बहुत ही क्यूट सा कलर है। इसका कलर सबसे सुंदर है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, सबसे सुंदर ये तीनों साड़ी में से। ये वाला साड़ी सबसे सुंदर कलर है, रुको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत कलर है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये साड़ी ना मम्मी को मेरी बहन ने गिफ्ट की है, हाँ उसने गिफ्ट की है ये वाला साड़ी मम्मी को। और हाँ, हम दोनों ने अलग अलग से इस बार मम्मी को गिफ्ट दी है, पापा को भी दिया था, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। तो ये है मैंने दिया ये वाला, और ये वाला दिया मेरी बहन ने, और इसके अलावा ये साड़ी देखो, ये और एक साड़ी, इसका भी कलर ना बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ट्विस्टी सा एक कलर है, तो बहुत मुझे तो ये वाला साड़ी का कलर भी बहुत ही अच्छा लगा। और ये वाला साड़ी हमने दुकान से, जिसका आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, ये वाला साड़ी खरीदा था आज हमने दुकान से, और जो बहुत ही खूबसूरत है देख सकते हो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, और मैं ये साड़ी एक बार खुद पे ज़रूर ट्राई करने वाली, मम्मी पहन ले थोड़ा, उसके बाद मैं ज़रूर एक दिन पहनूंगी। मम्मी की साड़ी तो आपको दिखा दिया, अब मैं दिखाती हूँ मेरी बहन की ड्रेसेस। यस, तो सबसे पहले दिखाती हूँ उसकी शॉपिंग वाला सूट। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे है ये वाला सूट, जो कि उसने अपने शॉपिंग लुक के लिए परचेस किया है, जिसके मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं सबका शॉपिंग दिखाऊंगी, इसलिए मैं मम्मी मेरी बहन सबकी शॉपिंग क्या क्या खरीदा है सब कुछ दिखा। साथ और एक है अपने दशमी के लिए भी उसने ये वाला चिकनकारी कुर्ता सेट मंगवाया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये भी कुर्ता एंड पैंट दोनों आता है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी ज़रूर आपको दिखाऊंगी, अगर मुझे याद रहेगा तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा फुलक कर हूँ ना, इसलिए दोनों मेरा फेवरेट है ये दो, मतलब बहुत ही खूबसूरत है ये, देख सकते हो। पहले मैं इसे दिखाती हूँ, ये भी एक कुर्ता दुपट्टा पैंट, मतलब चूड़ीदार टाइप सलवार सूट, ये भी एक सलवार सूट ही कह सकते हो आप लोग, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इसमें। और क्या कहूँ, मतलब इसमें डिज़ाइन ना भर भर के, और जिससे इसका लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है, बहुत खूबसूरत लगता है ये ड्रेस। इसका कलर देख सकते हो, कितना खूबसूरत कलर है। और पता है, ये वाला जो ड्रेस है, ये वाला ड्रेस मैंने अपनी बहन को गिफ्ट किया है या गाइस, क्योंकि उसके बर्थडे के दिन तो मैंने कुछ गिफ्ट ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि ब्लॉग में शेयर किया था मैं कि उसने चूज़ ही नहीं किया, तो इसीलिए मैं कुछ दे नहीं पाई। तो बर्थडे एंड दुर्गा पूजा दोनों मिला के मैंने उसे ये वाला सूट परचेज किया, दो गिफ्ट एक गिफ्ट में कन्वर्ट हो गया, पर जो भी हो, उसने ये वाला सूट उसने खुद ही चूज़ किया था। वैसे मैंने कह दिया था कि तू तेरा खुद का चूज़ कर ले, वरना मुझसे तो नहीं होगा, तो इसलिए उसने खुद से चूज़ किया और ये वाला सूट मंगवाया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बस जो पैसा है वो मैंने दे दिया। ये क्या है पता है गाइस, अनारकली सूट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत 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 ही ज़्यादा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था। मैं भी सोच रही थी ऐसा कुछ परचेस करना, पर क्योंकि उसने परचेस कर लिया तो मैं करूँ, दोनों सेम अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने नहीं किया, वरना मैं ज़रूर करती, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और या
देख सकते हो रेड कलर है जो बहुत ही खूबसूरत रेड एंड गोल्डन में कलर है। जब वो पहनेगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अभी तो कुछ शेयर नहीं करने वाली क्योंकि अभी अगर लुक रिवील कर दिया तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए अब बारी है मेरा। यस, तो मैंने ना कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर किया, इसीलिए मेरा मन करता था ये जो पसंद हो जाता है तो ये पसंद हो जाता है, पता नहीं कितना दुर्गा पूजा में पहनने वाली हूँ कितना नहीं, पर खरीदती कुछ ज़्यादा ही खरीद लिया। पहले क्या दिखाऊं, सबसे पहले तो मैंने दो कुर्ता शॉर्ट कुर्तीस ली है, ऐसे ही मतलब पसंद आ गया तो दुर्गा पूजा भी था तो मैंने सोचा कर लेते हैं परचेस, है थोड़ा बहुत पैसा इनकम कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो दो कुर्ता परचेस किया। देखते तो एक पैकेट में दो है क्योंकि मुझे एक साथ रखना था इन्हें ताकि जब भी मैं मुझे ढूंढना पड़ना पड़े जब मैं चाहूँ एक निकाल के पहन लूँ, इसलिए मैंने दोनों को एक ही पैकेट में डाल के रख दिया है देख सकते हो। और मैंने ये वाला कुर्ता एंड ये वाला कुर्ता परचेस किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, अभी चाहिए था तो इसलिए मैंने भी दोनों परचेस किया। एक जींस, यस देख सकते हो ये जींस परचेस किया है क्योंकि ये कुर्तीस पहनेंगे तो नीचे तो कुछ चाहिए तो इसलिए मैंने ये जींस पहना है। हाँ, एक ही जींस परचेस किया है, नया पुराना तो है पर एक ही किया, दो नहीं, एक ही जींस पे काम चला लूँगी। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक पॉट सेट, यस पॉट सेट एक परचेस किया है जो कि ये वाला है, पता नहीं आप लोग समझ रहे हो या नहीं क्योंकि मैं अभी लुक तो रिवील नहीं करूँगी जिसके मैंने कहा, पर अगर आप लोग देख के पहचान सकते हो तो देखो ये वाला मैंने परचेस की है। और पता नहीं मैं ये दुर्गा पूजा में पहनने वाली हूँ, ये सब ये जो जितना भी परचेस किया है ये सब दुर्गा पूजा में पहनूंगी भी या नहीं, क्योंकि सब ड्रेस पहन लूँ ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इतना दिन भी नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ये वाला कॉर्सेट पहन मैंने परचेस तो कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे पहनना भी है तो देखते कब पहनते हैं, अगर दुर्गा पूजा में नहीं होगा तो किसी और एक दिन पहन लेंगे, पता चला बातें हो रही है ज़्यादा बातें। अब शॉपिंग दिखाती हूँ, तो गाइस मैंने नेक्स्ट ये वाला कुर्ता सेट जिसके साथ कुर्ता एंड पैंट दोनों आता है ये वाला परचेस की है, सप्तमी या फिर दशमी लुक जिस दिन दिल करेगा पहन लूँगी, अब आने के बाद भी अच्छा लुक दे रहा है, पता नहीं पहनने के बाद कैसा लुक देगा तो वो तो पहन के ही पता चलेगा, तो देखते क्या होता है क्या नहीं। शो स्टॉपर ऑफ माइंड इज दिस टू, फर्स्ट ये वाला जो कि मैंने सोच लिया कि ये मैं अष्टमी में पहनने वाली हूँ क्योंकि पर्पल कलर में है और ये कलर मेरा फेवरेट भी है भाई जब है। तो मैं अष्टमी लुक शेयर करूँगी आपके साथ अष्टमी ब्लॉग में, तब आप लोग देखना और मुझे कहना कि अच्छा है या नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लास्ट थ्री मेरा ये सूट जो कि बहुत ही अमेजिंग है, इसे पहनने के लिए तो मैं इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब कब मैं इसे पहनूंगी, ये तो मेरा फेवरेट पहन, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे पहनने के लिए, इसलिए मुझे ना कुछ यूनिक चाहिए था जो कि हर कोई नहीं पहनेगा। इसका जो गले का डिज़ाइन है, इसका जो हाथ की यहाँ पे जो डिज़ाइन आता है वो ना बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन के कारण मैंने इसे स्पेशली परचेस किया है क्योंकि ये वाला डिज़ाइन हर ड्रेस में नहीं होने वाला है, ये वाला डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, मतलब बहुत ही सुंदर, जब मैं आपको पहनूंगी तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बट ये ड्रेस ना मतलब शो स्टॉपर है, मेरे इन सारे ड्रेसेस में ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं इसे परचेस करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ कह सकते हो। तो सबका जो भी शॉपिंग था यही है दुर्गा पूजा शॉपिंग, हाँ गाइस इतना ही किया और इतना मेरे लिए काफ़ी है और मुझे नहीं चाहिए शॉपिंग। चलो गाइस यही था आज का ब्लॉग, दुर्गा पूजा शॉपिंग ब्लॉग, तो आपको इस ब्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।